कभी सोचा है आपने आपके शरीर का पीएच क्या है? पीएच माने आपकी बॉडी एसिडिक है या एल्कलाइन है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारा शरीर एसिडिक नहीं होना चाहिए, लोग उसको एल्कलाइन बनाने के चक्कर में क्या कुछ करते हैं, इजंट इट? एल्कलाइन डाइट, जो डिटॉक्स ड्रिंक, एल्कलाइन ड्रिंक्स, ये क्यों करना है, ये क्यों करते हैं? इस वीडियो में जानिए हमारे शरीर का पीएच है क्या। शरीर का ही नहीं, हमारे स्टमक का पीएच क्या है, हमारे स्किन का पीएच क्या है, फीमेल में वेजाइनल पीएच क्या है। यू शुड नो ऑल दिस थिंग टू अंडरस्टैंड कि आपको ये जो आजकल चल रहा है ट्रेंड एल्कलाइन वाटर, यू नो, ये सारी चीजों की जरूरत भी है या नहीं है। समझदार बनेंगे, सतर्क रहेंगे तो कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा हमको। कोई भी फूड गिमिक्स से बचने हैं हमको, कोई भी हमें बेवकूफ ना बना सके। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ डाइटिशियन मोहित मित्तल, एक्सरसाइज ट्रेनर एंड योगा टीचर एंड एवेल्यूएटर। मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ आपके शरीर के बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जिसका नाम है पीएच। पीएच एक ऐसी वैल्यू है जो 0 से 14 में चलता है। ये केमिस्ट्री के लैब्स में जाएंगे, वहां पे भी 0 to 14 में मिलता है। हमारे शरीर को भी वैल्यूएट 0 to 14 के स्केल पे करा जाता है। 7 इज अ न्यूट्रल, जो पानी का पीएच है। हमारा जो पानी है जिसको आजकल लोग एल्कलाइन बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, मगर हमारा पानी इज अ न्यूट्रल 7। 7 से अगर इधर जाएंगे लेफ्ट साइड पे, मतलब 0 to 7 इज अ एसिडिक मीडियम। 7 से आगे की तरफ जाएंगे 14 तक, वो है एल्कलाइन मीडियम। अब लोग कंफ्यूज रहते हैं, सर हमें 0 to 7 में एसिडिक मीडियम में होना चाहिए, जब 7 to 14 के बीच में एल्कलाइन मीडियम में होना चाहिए। मैं आपको ब्रेक डाउन कर देता हूँ, आज के बाद आपको ये डाउट नहीं आएगा और कोई भी आपको कुछ भी बेचेगा नहीं। फालतू के अंदर कोई पैसे खर्च नहीं करने एल्कलाइन पानी पीने के लिए, कोई डिटॉक्स ड्रिंक बना ली, प्लीज समझिए इस चीज को। पहले जान लीजिए बॉडी का पीएच। हमारे ओवरऑल पूरे शरीर का पीएच निकल के जो आता है वो है एवरेज पे 7.4, 7.35 से 7.45। 7.4 मान के चलिए हमारी बॉडी का पीएच है, मतलब हमारी बॉडी ओवरऑल एल्कलाइन है, हमारी बॉडी ओवरऑल एसिडिक नहीं है। इसको लिख लीजिए नोट्स में, आर ओवरऑल पीएच इज नॉट एसिडिक, इट्स एल्कलाइन। 7.4, 7.35 से 7.45 के बीच। अब ये क्यों है? हमारी बॉडी वर्क्स बेस्ट व्हेन द पीएच इज 7.4। जब हमारा पीएच 7.4 है तो हमारी बॉडी में जो होमियोस्टेसिस होते, सारा जो टेम्परेचर रेगुलेट होता है बॉडी का, जो हॉर्मोन्स हैं, जो सारे एंजाइम्स हैं, जो सारे प्रोटीन्स हैं, वो सारे बेस्ट वर्क करते हैं 7.4 पीएच के अंदर। बॉडी ओवरऑल पीएच की बात कर रहा हूँ, जरा सा नीचे जरा सा ऊपर सब खराब। जब 7.4 से नीचे होता है उसको कहते हैं एसिडोसिस, आपकी बॉडी एसिडिक है। जब 7.4 से आपका पीएच ऊपर होता है, मतलब आपको एल्कलाइन बॉडी है, उसको एल्कलोसिस। याद रखिए, अगर आपका 7.4 नहीं है तो आपका पल्मोनरी और आपका रेनल सिस्टम नहीं काम करते ढंग से। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पूरे शरीर को चलाने के लिए, पल्मोनरी एंड रेनल। रेनल मतलब किडनीज, पल्मोनरी मींस लंग्स, योर जहां से सारी आपकी गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं। अगर आपका लंग्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस सही से नहीं काम करे, आपका किडनी जो आपका एक्सक्रीशन में काम करता है, आपके बहुत सारे टॉक्सिन को रिलीज करता है, अगर वो काम ना करे तो सोचिए क्या हालत होगी। और वो दोनों खराब हो जाते हैं, उनकी फंक्शनिंग खराब हो जाती है, माल फंक्शन हो जाती है जब पीएच 7.4 से हिल जाता। देखिए ये जानना बहुत जरूरी है। अब आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, जाके ब्लड टेस्ट करवाइए, गो एंड गेट अ लैब टेस्ट डन, ब्लड रिपोर्ट टेस्ट डन इन योर लैब। सैंपल लेंगे एक दिन में, 8-10 घंटों में, 12 घंटों में आई थिंक आपको टेस्ट रिपोर्ट मिल जाएगी। उसमें पीएच लिखा आता है। चेक करिए क्या पीएच है। आपको अपने शरीर के बारे में नहीं पता तो दुनिया को जान के क्या करें हम। सो ब्लड टेस्ट डन, पीएच 7.4, 7.35, 7.45 चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी स्मार्ट तो बॉडी है। पीएच ये नहीं होना चाहिए 7 से कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए 7.5 से कहीं ऊपर जा रहा है 7.6, 7.8, मात्रा में नहीं होना चाहिए एल्कलाइन या एसिडिक। ये था अभी तक ओवरऑल बॉडी पीएच। अब हम इसको तोड़ते हैं।
आपकी बॉडी प्रोटीन से बनी है। प्रोटीन एक मॉलिक्यूल समझ लीजिए है, उनके कॉन्फ़िगरेशन है जो 7.4 पीएच क्यूब पर बेस्ट कन्फिगर करते हैं, बेस्ट काम करते हैं। 7.4 नहीं होगा तो कॉन्फ़िगरेशन डगमगा जाएगी, प्रोटीन काम नहीं करेंगे, आपके टिश्यू रिपेयरमेंट नहीं होगी, जिन लोगों की हीलिंग नहीं होती, टिश्यूज रीजनरेट नहीं होते क्योंकि उनका पीएच स्टेबल नहीं, या पीएच रेंज में नहीं है जितना होना चाहिए। बहुत लोग बीमार होते हैं, बीमारी रहते हैं, फीवर होता है, कफ कोल्ड चलता ही रहता है, क्यों? क्योंकि एंटीबॉडीज नहीं है शरीर में। एंटीबॉडीज प्रोटीन का काम है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स एंटीबॉडीज क्रिएट करते हैं, खुद में ही एंटीबॉडीज हैं जो लड़ते हैं आपके बाहर के मॉलिक्यूल्स है। तो अगर प्रोटीन नहीं काम करेगा तो एंटीबॉडीज नहीं होंगे, टिश्यूज रीजनरेशन नहीं होगा, कन्फिग्रेशन अच्छा नहीं है तो आपकी हीलिंग अच्छी नहीं होगी, वुंड आपके जख्म बने के बने रह जाएंगे, हीलिंग अच्छी नहीं होगी। आपके टिश्यूज ऑर्गन्स जो मैंने रेनल आपकी किडनीज की बात करी और आपके मैंने पल्मोनरी आपके लंग्स की बात करी, ब्लड आपका बहुत एसिडिक हो जाएगा जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को याद रखें। अब हम तोड़ते हैं इसको, बायफ्रिकेट करते हैं कि आपके स्टमक की पीएच कितनी है, आपकी स्किन की पीएच कितनी है और फीमेल में वजाइनल पीएच कितना है। बट इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारों ने पूछा कि सर ये चाहिए क्यों, मतलब एसिडिक एल्कलाइन चाहिए क्यों मीडियम। थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा जान इस चीज़ को समझिए। आप मान लीजिए पंजाब में रहते हैं या उड़ीसा में रहते हैं या आप किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कहाँ पर भी रहते हैं, आपकी वो कंडीशन है, आपको वो सूट करती हैं कंडीशन, अब इतने सालों से रह रहे हैं। अब जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पे ना रह के आप जाके रहिए बर्फ वाले इलाकों के अंदर ठंड में, -3 डिग्री, -10 डिग्री, क्या हालत हो जाएगी हमारी। जो वहाँ पे रहते हैं वो तो सर्वाइव करते हैं, मगर हम जाएंगे तो हमारी क्या हालत होगी, क्योंकि हमारी बॉडी को अडेप्ट कर चुकी है कंडीशंस को, टेम्परेचर। हम ह्यूमन एक टेम्परेचर में काम करते हैं, तो अगर आप एक जगह का टेम्परेचर सूट कर रहे हैं तो आपको वो बहुत अच्छे से सूट करेगा, मे बी दूसरे को ना करे। एनीहाउ, ऐसी आपकी बॉडी का एक एनवायरनमेंट है, एक पीएच पूल है, उस पूल में सारे एंजाइम्स काम करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस में कन्वर्ट होता है एक पर्टिकुलर पीएच के ऊपर। जो भी साइंस बैकग्राउंड से वो मेरी बात को इस वाली लाइन को समझेंगे, कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए उसका पीएच रेंज में होना बहुत जरूरी है, जा तो एसिडिक, जा तो न्यूट्रल, जा तो एल्कलाइन, जरा सा भी पीएच चेंज होगा वो रिएक्शन नहीं होगा, जब रिएक्शन नहीं होगा तो रिएक्शन फट जाएगा। तो हर रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए आपकी बॉडी के भी पीएच सही होना चाहिए। अब देखिए स्टमक का पीएच क्या है, आप हैरान हो जाएंगे, बॉडी एल्कलाइन है मगर स्टमक इज हाईली करोसिव, हाईली एसिडिक, इट हैज HCl इन इट, HCl जो डालेंगे तो सड़ जाए इंसान, फिर पेट में कैसे HCl। देखिए पेट की बहुत सारी लाइनिंग्स है, म्यूकोसा लाइनिंग जो आपके पेट को बचा के रखता है। आपको पता है जब ज्यादा एसिड हो जाता है आपके पेट में तो क्या होता है, आपको जलन होती है, यहाँ जलता है ना कुछ, एसिडिटी, जलन होती है, एकदम ऐसे लगता है कुछ आग लग गई है, वही एसिड है, HCl है जिसका पीएच कितना है 1.5 से 2। तो हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस HCl है जो सारे फूड को तोड़ता है, सारा काम ही HCl का है पेट के अंदर, तो उसको एसिडिक होना पड़ेगा। सेकेंडली एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, पैथोजन को किल करता है। अगर एसिडिक नहीं होगा आपको पता है हमें क्या होगा, हमारे यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रीड करने लगेंगे, हमारा घर बन जाएगा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, पैथोजन का, इन्फेक्शन होगी, हमारा पूरा शरीर इन्फेक्टेड हो जाएगा अगर हमारे HCl नहीं है पेट के अंदर। तो गैस्ट्रिक जूसेस आर हाईली एसिडिक, हाईली करोसिव ऑल्सो, बट आर म्यूकोसल लाइनिंग, गैस्ट्रिक म्यूकोसा, द लाइनिंग प्रिवेंट्स दैट फ्रॉम हैपनिंग। तो स्टमक पीएच देखिए कितना एसिडिक है, 1.52, मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे है स्केल के। जिनको एसिडिटी प्रॉब्लम रहती है उनका मतलब उनका पीएच और कम है, 1.5 से भी कम है। उन लोगों को अपनी एसिडिटी पे काम करना है, स्ट्रेस पे काम करना है, स्ट्रेस को खत्म करना है, डाइट का ध्यान रखना है, डाइटरी चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं जिससे कि उनका एसिडिटी ना बढ़े, HCl की ज्यादा प्रोडक्शन ना हो। फूड को पचाने के लिए HCl चाहिए, मगर अगर आप ज्यादा फूड खाएंगे तो एसिडिटी और बढ़ेगा क्योंकि वो वहां पे पच नहीं रहा है खाना,
खाना एसिडिक होता है नेचर में, बहुत सारे फूड्स हैं जो बहुत एसिडिक होते हैं, अगर वो वहाँ पे पड़ा रहे तो HCl भी कुछ काम नहीं कर पाता, जलता है आपका फूड वहाँ पे, और जलता हुआ फूड क्रोसिव, जलता हुआ फूड इन्फेक्शन करता है पेट के अंदर, यही जलता हुआ फूड आपको बीमारियाँ देता है, कैंसर देता है, यही फूड्स फ्री रेडिकल्स क्रिएट करता है, ऐसे टॉक्सिन्स क्रिएट करता है। तो पेट का पीएच बना के रखिए, एसिडिटी मत होने दीजिए, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, गर्म पानी पीना, गर्म पानी पीते हैं तो HCl डाइल्यूट होता है, ठीक है, गर्म पानी पीते हैं तो जो कुछ भी हमारे जमा होता है वो भी रिलीज हो जाता है। एक सिंक पाइप के अंदर गर्म पानी डालेंगे या ठंडा पानी डालेंगे, किस में ज़्यादा क्लिनजिंग होगी? गर्म पानी में, गर्म पानी की प्रॉपर्टी है सारी जो चिकनाहट होती है, सारा चिकनापन होता है आसपास हमारे ऑर्गन में या किचन की पाइप में, वो सबको लेके आगे निकल जाता है। तो गर्म पानी पी के एसिडिटी कम कर सकते हैं, हर्ब्स लेके, अच्छे अच्छे स्पाइसेस लेके अपनी एसिडिटी को कम कर सकते हैं, ना? जैसे कि हींग होती है, अजवाइन होती है और बहुत सारी स्पाइसेस, उनको लेके आप अपना कम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्किन की पीएच। स्किन की पीएच अगर 1.5 होती तो हम अभी तक जिंदा ना होते, जल रहे होते। स्किन की पीएच थोड़ी सी कम एसिडिक होती है मगर बेसिक नहीं होती, नियरली 4.5 के करीब होती है। जब आप रेंज देंगे तो 4 टू 5.5 के बीच में आपकी स्किन की पीएच होती है, जो बहुत है बाहर के पैथोजन इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। बेसिकली हमारी स्किन एसिडिक है बोल सकते हैं, इट्स नॉट अल्कलाइन, इट्स नॉट न्यूट्रल, इट्स नॉट टू एसिडिक, इट्स एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक यू कैन से। जो इस पे बैठेगा वो टिकेगा नहीं, ठीक है, इसीलिए स्किन एसिडिक बनाई गई। अगर ये अल्कलाइन होती तो बहुत सारे जर्म्स हमको खा जाते, खून पी जाते हमारे। तो देखिए क्या है आपकी स्किन का पीएच, सब सारे टेस्ट होते हैं मार्केट के अंदर, लैब के अंदर स्किन पीएच, आपका स्टमक पीएच पता चल जाता है, बॉडी पीएच पता चल जाता है, एवरीथिंग कुड बी टोल्ड इन दिस सेंचुरी, ठीक है। तो स्टमक पीएच जान लिया, स्किन पीएच जान लिया, क्यों स्किन पीएच 4.5 के करीब होता है, हमें ज़्यादा पीएच नहीं चाहिए जल जाएंगे, एल्कलाइन नहीं चाहिए वरना पैथोजन बैठ जाएंगे, ये चीज़ें याद रखें। तीसरी चीज़ फॉर फीमेल्स, आपके वेजाइनल पीएच कितना होता है? देखिए बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे जर्म्स होते हैं, उनको मारने के लिए ऑब्वियसली वी नीड लिटिल हायर पीएच, 3.8 से लेके 5 के बीच में होता है, विच इज़ योर वेजाइनल पीएच, वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया इन द वेजाइना। तो वेजाइनल हेल्थ के लिए गुड बैक्टीरिया का होना और बैड बैक्टीरिया का होना दोनों इंपॉर्टेंट है। वी डोंट वॉन्ट ओवर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, नाइदर गुड नाइदर बैड, वी वॉन्ट बैलेंस इन अवर वेजाइनल एरिया। ज्यादा ओवर ग्रोथ हो गया अच्छे या बुरे का तो गड़बड़ हो जाएगा, वो कब होता है जब आपका पीएच आउट ऑफ रेंज हो जाए, तो आप अपना वेजाइनल पीएच, ये भी सब सैंपल्स होते हैं, पता चल जाएगा आपका वेजाइनल पीएच कितना है। अगर आपको लगता है कोई इन्फेक्शन है, आपको कोई रैशेज पड़ रहे हैं, कुछ बैक्टीरिया ग्रोथ हो रही है, आपको कुछ भी फील हो रहा है वहाँ पे अनप्लेजेंट सा, चेक योर पीएच, चेक आउट योर पीएच, जाइए डॉक्टर से बात करिए, ठीक है। बस याद रख लीजिए हमारी ओवरऑल बॉडी की पीएच एल्कलाइन है, बाकी सारी चीज़ें पेट, स्किन, वेजाइनल हेल्थ, ये सब मैक्सिमम चीज़ें सारी एसिडिक है, टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम पैथोजन बैक्टीरिया। याद रखिए ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो आपको बार बार बोलते हैं कि आप एल्कलाइन ड्रिंक्स ले लीजिए। एल्कलाइन ड्रिंक्स लेके नहीं होता है कुछ, आप एल्कलाइन चीजें लेके अपनी स्टमक की पीएच नहीं बदल सकते, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। आप ब्लड की पीएच नहीं बदल सकते एल्कलाइन ड्रिंक्स ले लेके, और जो लोग ज्यादा एल्कलाइन ड्रिंक्स लेते हैं उनका स्टमक एसिड मर जाता है, खत्म हो जाता है। यू डोंट वॉन्ट टू प्ले विद योर स्टमक एसिड, स्टमक एसिड HCl को बनाए रखिए वरना चीजें पचेंगी नहीं। जो लोग ज्यादा एल्कलाइन ड्रिंक्स, ज्यादा यू नो ऑल दिस न्यू स्टफ लेने लग गए हैं, डिटॉक्स ड्रिंक्स, उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, खाना पच नहीं रहा है, कॉन्स्टिपेशन भी हो रही है, ब्लोटिंग भी हो रही है, फ्लैटुलेंस भी हो रहा है, चक्कर भी आते हैं, हेडेक्स भी होते हैं, माइग्रेन भी होता है, क्योंकि खाना नहीं पच रहा है। आप बेसिक बनाने में लगे हुए हैं, उसको बेसिक नहीं बनाना है, उसको एसिडिक रहना है। जो चीज़ें सही करनी है वो ये करनी है, सही वक्त पे सोना है, खूब सारा पानी पीना है, 3-4 लीटर पानी, खुद से आपका पीएच नॉर्मल रहेगा। आई होप दिस वॉज वेरी इन्फॉर्मेटिव, आपको अपने बॉडी के पीएच के बारे में पता चला।
आपको पता चला हमारे शरीर में क्या क्या रेंजेस रहते हैं, किस चीज के लिए रहते हैं। डरना नहीं, सतर्क रहिए। कमेंट में पूछिए अगर आपको कोई डाउट है। अपने दोस्तों से ये वीडियो शेयर करिए, उनको बताइए कि भाई फंसना नहीं है, वीडियो सुन लीजिए, फंसना नहीं है। हमारी बॉडी वैसे भी अल्कलाइन है, बॉडी ओवरऑल अल्कलाइन है, कितना अल्कलाइन करेंगे हो? 7.4 याद रखेंगे नंबर। चीयर्स, नमस्ते, हैप्पी पीएस टू यू ऑल, टेक केयर, बाय, जय हिंद।